आज की वीडियो में आपको शाहरुख खान का काजोल की डिवोर्स पर रिएक्शन के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, काजोल देवगन और अजय देवगन के रिलेशनशिप को लेकर आजकल काफी सैड न्यूज सामने आ रही है और बताया जा रहा है ये दोनों डाइवोर्स ले रहे हैं और इसी सब पर अब डिफरेंट सेलिब्रिटीज पे खुलकर बात करने लगे हैं। पहले ये बात दोनों फैमिलीज के बीच ही थी, लेकिन अब ये बात मीडिया तक आ चुकी है और इस बात पर अब खूब चर्चा होने लगी है और हर जगह सिर्फ यही डिस्कशन होने लगी है। शाहरुख खान और काजोल बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, दोनों DDLJ के बाद बहुत क्लोज हो गए और उसके बाद से दोनों की दोस्ती अब तक बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड वाली है। शाहरुख खान से जब इस बारे में बात की गई तो शाहरुख खान ने इस पर कुछ खास कमेंट्स तो नहीं दिए, क्योंकि काजोल उनकी बहुत अच्छी फ्रेंड है तो वो उनके बारे में कुछ तरह से बात नहीं करते हैं और वो अपने फ्रेंड्स के बारे में ज्यादा मीडिया पर बात नहीं करते। लेकिन शाहरुख खान ने बताया कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये बहुत सैड है उनके लिए, क्योंकि वो नहीं कभी ये सोच सकते थे कि काजोल इस टाइम से गुजरेंगी। लेकिन उनकी पूरी सपोर्ट काजोल के साथ है, अजय के साथ है, जो भी उनके बीच में डिफरेंसेस हैं, अगर वो म्यूचुअली इस सब को डिसाइड कर रहे हैं तो जैसा वो डिसीजन लेंगे, मैं काजोल के साथ ही हूँ। लेकिन मैं दिल से यह चाहता हूँ कि ये रिश्ता कभी ना टूटे, और हम सब जानते हैं कि शाहरुख खान एक फैमिली मैन है और वो हमेशा से हर रिश्ते को जोड़ने की बात करते रहते हैं। उन्होंने कभी भी कोई रिश्ता तोड़ने की बात नहीं की है, चाहे वो उनके फ्रेंड्स हों, चाहे वो उनकी फैमिली हो या कोई भी रिश्ता हो, वो हमेशा हर रिश्ते को जोड़ने की बात करते हैं। और अब भी उन्होंने यही कहा कि वो दिल से चाहते हैं कि ये रिश्ता कभी ना टूटे, और सिर्फ शाहरुख खान ही नहीं, हम भी दिल से ये चाहते हैं कि ये रिश्ता कभी ना टूटे और दोनों के बीच जो भी डिफरेंसेज हैं वो दोनों बैठ कर सॉल्व कर लें और फिर से एक हो जाए। आप इस सब पर क्या कहना चाहेंगे? आपको शाहरुख खान का रिएक्शन कैसा लगा? हमें कमेंट्स में बताना ना भूलिएगा।